सो हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम आज संडे ना हाँ। आज संडे तो हमारा भी मेरा भी छुट्टी है। तो आज सोच रहे हैं कि हम बिरयानी बनाए, तो इसलिए मेरा मतलब कब से रेडी था, बिरयानी खाएगी बिरयानी खाएगी। चलो तो हम अभी मतलब कोलकाता से आए हैं, पुणे में आए हम। तो इधर तो ज़्यादा मतलब मसाला नहीं मिलता ना, तो हम थोड़ा बहुत मसाला उधर से लेके आए हैं। इधर भी थोड़ा बहुत हमने बाज़ार पे गया था ख़रीदने के लिए, तो हम आगे आपको दिखाएंगे कौन सा मसाला हमने ख़रीदा है, क्या 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 बन रहा है आज। तो फाइनली आज बना रहे हम चिकन बिरयानी कोलकाता की स्टाइल से। चलिए शुरू करते हैं। तुम कुछ बोलना चाहते हो क्या? चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे वो तो बाद में करेगा ना, जाने दो। चलो बोलो, ठीक है बोलो। तुम्हारे पूरा वीडियो स्किप नहीं करने करके वीडियो पूरा देख लो एवं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं। गाइस तो कैसे हो आप लोग। तो आज है संडे, तो संडे में आज हम लोगों ने बिरयानी का प्लान किया है। तो इधर पहले से ही मतलब शुरुआत चालू हुआ था। इधर देखो चावल को मैंने हमने पानी में भिगा दिया। इधर मसाला रेडी हो रहा है। इधर चिकन कट के रेडी है। लेग पीस किधर गया? ओ लेग पीस को मतलब थोड़ा तेल में बॉईल कर ले रहा है, चालू है इधर ही। और इधर टमाटो, अदरक, लहसुन, तिज के पत्ते, जायफल, जायत्री, जो जो होता है ना बिरयानी का मसाला, सब कुछ इधर है। इधर प्याज कटा हुआ है, आलू भी कटा हुआ है। और इधर मैडम प्रोसेस चालू है उसका। चलो आगे बढ़ते। तो गाइस तो इधर भी हमारे देखो चिकन जो है वो पक चुका है थोड़ा बहुत, और चावल अभी हो गया पक रेडी है। तो अभी इनको हम क्या करेंगे तो दिक्कत है, तो देख सकते हो इधर चावल को बाल्टी में एक हमने डाल दिया था, बस वैसे चिका जा रहा है चावल को। तो देख सकते हो इधर मैंने पकड़ के बैठा था, ये देखो। चलो हाँ पानी गिर गया नीचे, पानी गिर गया। तो इधर घी को थोड़ा गर्म करके लिया हुआ है, मतलब घी को इधर खाने में अच्छे से मतलब वो फैल गया है। तो इधर चावल को अच्छे से हरी के अंदर डाला जा रहा है। घी दिया ना तुमने पहले? घी दिया ना, उसके बाद क्या दिया? चावल। उसके बाद चावल को डाल रहे हैं ना। हाँ। ओके अभी क्या आएगा इसमें? अभी इसके अंदर क्या आएगा? चिकन। ओके गाइस तो इधर चिकन भी रेडी हो चुका है, तो अभी इसके अंदर चिकन जाएगा। ओ ऑयल का वो डब्बा ना खराब हो जाएगा। गाइस चिकन का कलर देख सकते हो, एक नंबर ऑयल। ओके इधर 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 बिहार उधर लग रहा है। ओके चिकन का पूरा आएगा इसमें क्या? चिकन पूरा आएगा इसमें क्या? नहीं थोड़ा बहुत बाहर आएगा। पूरा दे दिया। हाँ हाँ पूरा पूरा देना आएगा चिकन का। हाँ चलो पूरा चिकन ले इधर। जो प्याज काटा है इसमें क्या ब्रेस्ता? हाँ ब्रेस्ता ठीक है, प्याज है ना, प्याज का ब्रेस्ता देना पड़ता कभी। हाँ चलेगा, सब खाने में मजा आना चाहिए। ठीक है चलो अभी इसके अंदर गुलाब जल। तो गाइस अभी डाला जा रहा है गुलाब जल थोड़ा सा। ओके इसके बाद क्या आएगा? ठीक है तो गाइस इसका अंदर इसके बाद आएगा क्या वाला जल आएगा। ओके तो अभी आएगा बिरयानी मसाला। फाइन देन तो दोबारा ऊपर से चावल डाला जा रहा है। तो अभी इसमें ऐड होगा आतर जो बिरयानी में फ्लेवर लाने का। कितना बूंद आएगा इसमें? तीन बूंद। तो कैसे ज़्यादा नहीं है, ओनली तीन बूंद। वाह फ्लेवर अभी से आना स्टार्ट हो गया। तो दोबारा चावल जाएगा इसके अंदर। गुड चिकन नहीं आएगा वही डाल ना तेज का पत्ता फेंक रहा हूँ। अरे उसका फ्लेवर फ्लेवर आता है ना। तो दोबारा चिकन आ रहा है, पानी मत यार चिकन का, वो साइड में रख दो, हम ऐसे खा लेंगे।
दोबारा आएगा चिकन मसाला एक सॉरी कौन सा है बिरयानी का ना हाँ अरे प्याज का क्या हुआ है बेरेस्ता भुना हुआ प्याज चलेगा तो मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ चावल को लेके ऐसा कर देता हूँ एक नहीं दोबारा आ रहा है क्या है दोबारा क्या डल गया हाथोड़ डलना है तो तुम भी कुछ बोलो ना इसमें क्या मैंने भाई है ना कुछ लोगों को बोलो क्या बोलना चाहते हो ओ मैडम कुछ तो बोलो यार मैडम पूरा चुपचाप है चले ओके गाइस तो अभी इसके ऊपर दोबारा चावल जा रहा है फिर दोबारा चिकन आएगा तो हम चले थोड़ा वीडियो को स्किप करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो गाइस फाइनली ऑल चावल इसमें पूरा आ गया है अभी दोबारा ऊपर से थोड़ा हाथोड़ डाला जाएगा और थोड़ा घी भी आएगा ना शायद हाथोड़ घी केसर जो है वो पूरा आएगा इसमें ज़्यादा मत डालना ठीक है नहीं तो फ्लेवर पूरा ख़राब हो जाएगा तो हम अभी फ़िलहाल जो है पुणे में है तो इधर क्या होता है ना जो बाहर का बिरयानी आता है ना एकदम मतलब क्या बोलो अच्छा है लेकिन हम खा नहीं पाते इधर का जो टेस्ट है वो हमको पसंद नहीं है थोड़ा अपना जो कलकत्ता वाला टेस्ट है वो तो हमने आपको पता ही है पूरा फेमस है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो इधर घी को गर्म कर लिया थोड़ा अभी ऊपर से थोड़ा घी आएगा देसी घी उधर से लाया हुआ हमने चलिए अभी दम पे जाएगा क्या क्या आटा जरूरत नहीं तो ऊपर से थोड़ा कुछ प्रेस कर रख देना बस हो जाएगा तो इधर गाइस अभी जो बिरयानी है वो दम पे देने के लिए हम प्रोसेस चालू हो गया कौन सा ये गर्म है तो गाइस देख सकते हो ये है हमारा छोटा घर ये है बाहर और ये अंदर का जो है इस साइड ये कचरा है पूरा अभी मतलब फैला हुआ है इस साइड थोड़ा एक अलमारी है छोटा सा और इसके आगे बेड है जो पूरा गंदा है और साइड में बाथरूम का सेटअप किया हुआ है एकदम छोटा सा घर है उसके बाजू में बेसिन है और इधर जो खाना बनाने का पूरा सेटअप है अभी पूरा घर मतलब क्या हुआ है एकदम मतलब बिगड़ चुका है तो मैडम अभी दम पे दे रहा है तो मैडम बोल रहे थे कि वो पूरा दम पे देखे उसके बाद ही पूरा घर को सही करेगा तो अभी इस साइड में देख सकते हो टीवी भी है चलिए अभी बिरयानी जो है दम पे जा रहा है हो गया ना चलो ना दम पे तो गाइस बिरयानी जो दम पे दे दिया है मैडम ने अभी पूरा घर को सब सफाई करेगी मैडम चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो को बस इधर हम दम से मतलब ला चुके हैं उतर के तो अभी देख सकते हो अंदर की तो अभी इसको किधर नहीं जाए धीरे से गिर जाए ना गर्म है ना मिक्स कर दो पूरा हाँ इधर ही मिक्स कर दो गर्म है ना तो गाइस बिरयानी पाके रेडी हो गया अभी इसको सर्व किया जाएगा तो गाइस इधर बिरयानी को पूरा मतलब निकल हो चुका है निकल लिया है पूरा और घर भी देख सकते हो आप पूरा फ्रेश हो चुका है एकदम ये देखो जो कचरा था उसका पैन रख दिया पूरा मतलब फ्रेश हो चुका है अभी और इधर जो है मेरा थोड़ा बहुत हेडफोन है चार्जर है और खाने का डब्बा है बस हो चुका है ना तो अभी हम आपको खा के बताते हैं बिरयानी कैसा हुआ देख सकते हो आप हमारा बिरयानी का कलर जो ग्रेवी था उसका कलर एक नंबर भाग है और मैंने खाया भी था खा के भी देखा था एक नंबर हुआ है चलिए अभी टाटा तो खाने के बाद ही हम मिलते हैं आप कुछ कहना चाहते हैं कि मैडम कुछ नहीं मजाक करते हैं चलिए गाइस टाटा